हेलो uh, फ्रेंड्स मैं हूँ रेनू शर्मा और आज हम करने वाले हैं जो आपका बी एड सेकेंड ईयर के एग्जाम चल रहे हैं उसका जो आपका फिफ्थ एग्जाम होने वाला है एनवायरमेंट एल एजुकेशनल एजुकेशन उसकी फिफ्थ यूनिट आई एम रियली सॉरी ये वीडियो ज्यादा लेट हो गया एक्चुअली मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से मैं ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाई बट इट्स ओके नाउ लेट्स स्टार्ट इट हमारी यूनिट नंबर फाइव सतत विकास स्टार्ट करते हैं मायल्यू शब्द प्रयुक्त किया जाता है तो मायल्यू शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है वो क्या है पर्यावरण मंडल के लिए क्वेश्चन okay, नंबर 513 संरक्षित समृद्धि विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस सम्मेलन में प्रयोग की गई तो वो की गई थी आपकी कोकोयाक में ऐसे मान लो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब होगा जब हम कोको पियेंगे कोकोयाक ओके क्वेश्चन नंबर देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण तो होता है वन से संबंधित होता है तो वन और इक्या देखो दोनों कितना साउंड सिमिलर है ना वन इक्या वन और ए जी तो आपके जो पर्यावरण संरक्षण में प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है किसका सभी के जो एजी ओजी है ना सभी का है तो एजी ऐसे याद रखना शून्य प्रदूषण वाला देश है सबको पता है देखो स्विट्जरलैंड है वो ठीक है ऑप्शन नंबर स हो जाएगा इसका रेगिस्तान की वृद्धि रोकने में किस देश में सर्वाधिक कार्य हो रहा है तो वो हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में नेक्स्ट समुद्री जल को पीने योग्य बनाने में कौन सा देश सर्वाधिक प्रगतिशील है तो कुवैत में हो रहा है वो ठीक है अ विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है वो मनाया जाता है बाईस मार्च को ऐसे याद रख लेना दो गोन जिंदगी की होती है ना कम से कम दो घूट तो पियोगे आप दो दो है ना तो दो अब दो पीने के बाद में दो पे तो नहीं रखोगे नंबर थ्री भी आना चाहिए तो जो मार्च मंथ होता है वो थर्ड मंथ होता है बाईस मार्च नेक्स्ट ओजोन की परत के विनाश में निम्न में से रोग संभव है देखो तो ओजोन की परत जो होती है ना हमारी ओजोन लेयर अगर वो डैमेज होती है तो हमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं तो यानी कि कैंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की संख्या कितनी है तो वो हमें चाहिए आठ ठीक है एट ऐसे याद रख लेना आठों घंटे काम करो दिन में एट, एट आवर्स वर्किंग होता है ना तो पर्यावरण मंत्रालय को कितना काम करने चाहिए आठ तो उसके केंद्र कितने हैं आठ जल पर्यावरण वाहिनी समिति का पदन पदेन अध्यक्ष कौन होता है देखो तो जिला पर्यावरण वाहिनी का पूछ रहा है तो हमें जिला कलेक्टर से नीचे नहीं चलेगा तो ऑप्शन नंबर डी जिला कलेक्टर पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद पर किस प्रकार का लेबल निर्धारित किया गया है तो देखो मिट्टी का घड़ा इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता तो ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई ये मान लो कि मेरे जो दादाजी थे वो पर्यावरण मंत्रालय में मंत्री थे ठीक है और एक अब की बात है 1980 की बात है और जब मेरे दादाजी भी 80 साल के ही थे पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना 1980 ऐसे याद रख लेना दादाजी दादाजी 80 साल के गंगा एक्शन प्लान कब हुआ देखो गंगा माता है ठीक है एक हमको एक स्पिरिचुअल नंबर चाहिए था तो नंबर फाइव इज बेस्ट तो उन्नीस सौ अस्सी में पर्यावरण मंत्रालय बना उसको पांच साल हमने वेट किया और उन्नीस सौ पिचासी में हमारे दादाजी ने गंगा एक्शन प्लान बना दिया तो बी ऑप्शन हो जाएगा सन उन्नीस सौ पिचासी नेक्स्ट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम नाइनटीन एटी सिक्स में किसको स्थान नहीं मिला तो देखो ओजोन हास अम्लो वर्षा हरित गृह प्रभाव सभी ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण शिक्षा की स्वीकृति तिवारी समिति ने दी कब दी 1980 में दी ठीक है पर्यावरण शिक्षा की स्वीकृति तो 1980 में ही मंत्रालय बना था और मंत्रालय में हमारे दादाजी ने क्या बोला ओके सबको पर्यावरण शिक्षा भी दी जाएगी उसी साल उन्होंने लागू कर दिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम था तभी होना बहुत जरूरी था पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना कब हुई तो उसकी स्थापना हमने छह छह साल बाद की पहले हमने पढ़ाना शुरू कर दिया और पर्यावरण शिक्षा केंद्र कब बना छह साल के बाद उन्नीस में ऐसे मान लो छह साल के बच्चे हो जाओगे तब तो वहां पे पढ़ने जाओगे अस्सी के बाद में पर्यावरण सचेतना का विकास किया जाता है तो देखो सतत शिक्षा और सामाजिक वानिकी से तो दोनों ही ठीक है सतत शिक्षा का संबंध है किससे प्रौढ़ शिक्षा पर्यावरण शिक्षा और प्रसार शिक्षा तो सभी आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी वे संपदाएं जो प्राकृतिक वातावरण में हमें प्रदान किए और हम विविध प्रकार से उपयोग में लाते हैं कहलाती हैं तो वो कहलाती हैं प्राकृतिक संपदाएं ठीक है ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा इसका ह्यूमन इकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है तो वो है आपके राजीव सिन्हा देखो ह्यूमन इकोलॉजी राजीव जी कौन थे राजीव गांधी जी बहुत अच्छे ह्यूमन थे इकोलॉजी मान लो एक जंगल इको ठीक है एनवायरमेंट से रिलेटेड है ना तो जंगल ले लो जंगल में कौन रहता है शेर रहता है तो सिन्हा राजीव सेना प्राकृतिक संसाधनों के जैविक घटक हैं। तो क्योंकि जैविक घटक हो जाते हैं आपके पेड़ पौधे वनस्पति पशु पक्षी जीवाश आदि और अजैविक घटक होते हैं मिट्टी जल वायु ऊर्जा प्रकाश आदि ठीक है ये सारी चीजें नेक्स्ट प्राकृतिक संसाधनों के अजैविक घटक देखो अब ये आ गया मिट्टी जल वायु ऊर्जा प्रकाश आदि ऑप्शन नंबर बी उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं जो कि हैं कौन से क्योंकि समाप्त होने वाले और समाप्त न होने वाले तो दोनों ही हो जाएंगे क्योंकि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी खत्म भी हो जाते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं होते जैसे पानी है वो नहीं खत्म होगा सौर ऊर्जा है वो खत्म नहीं होगी नवीकरणीय संपदा वे संपदा होती है जो पुनः प्रयोग में लाई जा सकती है कौन सी देखो जल को भी दोबारा यूज कर सकते हो सौर ऊर्जा को कर सकते हो पवन शक्ति को कर सकते हो मृदा वनस्पति आदि को भी कर सकते हो ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी आ जाएगा नेक्स्ट अवनीकरणीय संपदाय वे होती हैं जिनका एक बार उपयोग कर लेने से वो नष्ट हो जाती है वे संपदाएं हैं तो वे संपदाएं कौन सी है देखो आपकी पेट्रोलियम पदार्थ कोयला तो ये एक बार आपने यूज किया गाड़ी में पेट्रोल डाला तो उसे दोबारा क्या यूज करोगे खत्म कोयला जला लिया तो वो भी खत्म सभी प्रकार के जो धात्विक और अधात्विक तत्व है ना वो भी एक ही बार यूज होते हैं नेक्स्ट खनिजों द्वारा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है देखो वनस्पति का विनाश तो होता ही है भूस्खलन भी होता है और धूल से प्रदूषण मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सारी ही चीजें होती हैं हरित क्रांति के अंतर्गत निम्नलिखित कृषि परिवर्तन आए हैं क्या आए है? देखो ऑप्शन ये सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है बिल्कुल सही बात है उन्नत कृषि उपकरणों का उपयोग कीटनाशक दवाओं के उपयोग में वृद्धि तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा नेक्स्ट ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं क्या स्रोत हैं देखो सौर ऊर्जा जीव भार आधारित ऊर्जा समुद्री लहर की ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा पवन ऊर्जा भूष्मीय ऊर्जा नाभिकी संल ऊर्जा उपयोग सभी आ जाएगा भूमि भूमि का उपयोग होता है देखो भूमि का उपयोग क्यों होता है तो कृषि के लिए होता है डेफिनेटली आवास स्थल हमें रहने के लिए भी भूमि पे ही रहेंगे ना चंद्रमा पे जाके थोड़ी ना कोई रहने वाला है ओके उद्योग और बिजनेस भी कहाँ करेंगे पृथ्वी पर ही करेंगे जल संरक्षण हेतु उपाय है देखो क्या उपाय है जल वितरण की उचित व्यवस्था बिल्कुल ठीक है भैया जल को ठीक से यूज करो भूमिगत जल का विवेकपूर्ण प्रयोग हाँ ना ध्यान से यूज करना चाहिए ना ऐसा थोड़ी है कि लिया और फैला दिया वनस्पति विनाश पर नियंत्रण हाँ वनस्पति का विनाश नहीं करना चाहिए और जल प्रदूषण से बचाव डेफिनेटली तो ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा सभी ठीक है खनिज संरक्षण के उपाय देखो खनिज संरक्षण के उपाय क्या है भूगर्भिक संरक्षण एवं नए खनिजों की खोज हाँ नए खनिजों की खोज करो और जो है उनका सर्वेक्षण करो खनिजों का बहुत करो राइट उसके बहुत सारे मतलब उद्देश्य चाहिए कि आप एक ही चीज को बहुत सारी चीजों में यूटिलाइज कर पाओ खनिजों का नियोजित उत्खनन होना चाहिए तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें भी भूमि संरक्षण की विधियां कौन सी हैं देखो तो वृक्षारोपण पेड़ लगाना चाहिए पट्टीदार कृषि करनी चाहिए और वेदिकाकरण व फसल चक्रीकरण ठीक है तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसमें भी ठीक है जर्मनी ने पहला पर्यावरण हितेशी लेवल दिया था तो वो दिया था 1978 में जर्मनी ने दिया था पर्यावरण से लेके हमने मंत्रालय ले बनाया था 1980 में जर्मनी हमसे दो कदम आ गया ठीक है थीके? दो साल पहले उन्होंने पर्यावरण हितेशी लेवल दे दिया था ऐसे याद रख लेना जर्मनी ने हमसे दो साल पहले दे दिया था पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर विश्व भर के देशों में पहला सम्मेलन हुआ तो विश्व भर की बात कर रहा है जर्मनी तो दो कदम आगे लेकिन विश्व तो उससे भी आगे है ना तो वो उन्नीस में हो गया था उन्नीस में कहा हुआ था स्टॉक होप में हुआ था ठीक है तो ऐसे याद रख लेना हमें होप थी कि पर्यावरण प्रदूषण पर भाई कोई तो बात करेगा तो कहाँ बात की वो पांच जून को स्टॉक होप में और पांच जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ ये अपनी इंडिया की गवर्नमेंट की बात कर रहा है तो वो हुआ था हमारा 1974 में नेक्स्ट क्वेश्चन भारत सरकार द्वारा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ तो भारत सरकार द्वारा पूछ रहा है तो वो हुआ था उन्नीस में ठीक है दादाजी बने मंत्रालय बना उन्नीस सौ अस्सी में और वायु प्रदूषण ठीक उसके एक साल बाद बना दिया उन्नीस सौ इक्यासी में नेक्स्ट भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया कि वन संरक्षण की बात कर रहा है तो वन संरक्षण हमने उन्नीस सौ अस्सी में ही बना दिया था हमारे दादाजी ने ठीक है मंत्रालय बन गया वन संरक्षण भी तभी, तभी बना दो और उसकी जो शिक्षा से रिलेटेड था वो भी तभी कर दिया था वायु प्रदूषण का, का काम उन्नीस सौ इक्यासी में कर दिया था ठीक है नेक्स्ट कक्षा में प्रतिभासी खेलों के आयोजन के लाभ क्या है देखो तो छात्रों में रुचि और क्रियाशीलता का विकास होता है डेफिनेटली होता है सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है और प्रकृति के वास्तविक घटनाओं से साक्षात्कार होता है तो सभी ठीक है इसमें पर्यावरण जन जागृति कार्यक्रम है तो कैसा कार्यक्रम है परिस्थिति के विकास शिविर ठीक है व्याख्यान श्रृंखला प्रशिक्षण कार्यक्रम फिल्म दर्शन प्रदर्शनिया आदि ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन करने पर निम्न सजा मिलती है याद रखना पांच साल के लिए आप जेल चले जाओगे और एक लाख रुपए भी देना पड़ेगा ठीक है तो पर्यावरण संरक्षण सभी को करना है किसी को उल्लंघन नहीं करना है अगर उल्लंघन करोगे तो क्या होगा पांच साल के लिए अंदर और एक लाख रुपए जुर्माना गॉड इट ओके नेक्स्ट वन पर्यावरण तथा समूह विधि पर संयुक्त राष्ट्र संघ का तृतीय सम्मेलन हुआ तो तीसरे की बात कर रहा है तो वो हुआ था 1975 में हुआ था वर्षा जल संग्रह क्या है तो देखो प्रयुक्त जल संग्रह का भंडार करना वर्षा जल का जमाव और भंडार करना और पीने का पानी का वितरण करना तो ऑप्शन नंबर डी ही आ जाएगा इसमें और भारतीय ये पूछ रहा है गेंडे कहाँ स्थित है तो वो काजीरंगा नेशनल पार्क में स्थित है एम एस स्वामीनाथन कौन थे ये कृषि के वैज्ञानिक थे ठीक है इन्होंने ही हरित क्रांति दी थी हमें याद रखना ना एम एस स्वामीनाथन कृषि के वैज्ञानिक स्वामी कृषि क्या है कृषि से ही सब कुछ निकला है तो कृषि ही हमारी स्वामी है वही हमारी नाथ है एम एस स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया डब्ल्यू आई आई कहाँ स्थित है तो देखो वाइल्ड लाइफ है ना वाइल्ड लाइफ क्या होता है सिटीज से दूर रहती है तो ये है आपकी देहरादून दून या दूर देहरादून ऐसे याद कर लेना दूर शेर गिर शेर परियोजना अविवस्थित है गिर शेर की बात कर रहा है देखो बेचारा शेर हमारा कब गिर जाएगा रात में गिर जाएगा ना जब उसे दिखाई नहीं देगा तो गुजरात में स्थित है गुजरात में रात दिख रहा है ना आपको हाँ तो शेर गिर परियोजना गुजरात नेक्स्ट डब्ल्यू डब्ल्यू एफ से आशय है तो डब्ल्यू डब्ल्यू एफ से आशय क्या है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसकी फुल फॉर्म है ये जस्ट सरिस राष्ट्रीय उद्यान अव्यवस्थित है तो देखो तो राजस्थान में है जो राजा लोग हैं वो क्या करते रस पीते रहते हैं ना ठीक है वही राष्ट्रीय उद्यान लगाएंगे रस पीने के लिए क्योंकि वही उनको ज्यादा जरूरत है वो रस पीते रहते हैं राजा लोग तो राजस्थान में तो राजस्थान हो जाएगा एग मार्क का संबंध है तो एग मार्क ना गुणवत्ता को दिखाता है तो उसका ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ वन्य जीवों की सुरक्षा सबसे इंपोर्टेंट है उन्नीस सौ अस्सी में मंत्रालय बना था लेकिन उससे भी पहले ठीक है आठ साल पहले हमने वन्य जीवों की सुरक्षा की बात कर ली थी उन्नीस सौ में इसमें वन्य जीव को ऐसे याद रख लेना जो वन होता है ना उसमें बेहतर प्रकार के जीव रहते हैं ठीक है कितने प्रकार के बेहतर प्रकार के तो उन्नीस सौ में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब हुआ तो ठीक उसके एक साल बाद वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम उन्नीस में उन्नीस में प्रोजेक्ट टाइगर ठीक है टाइगर नेक्स्ट ग्रीन पास इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है ग्रीन पास की बात कर रहा है तो वो है आपका एम्स्टर्डम में ऑप्शन नंबर सब हो जाएगा निम्नलिखित इन दोनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है न्यूनतम पूछ रहा है सबसे कम क्या करता है देखो डीजल पेट्रोल करता ही हाइड्रोजन हाँ सबसे कम करता है कोयला तो इसका ऑप्शन नंबर स हो जाएगा गिर वन्य जीव अभ्यारण देखो गिर की बात कर रहे ना गिर वन्य शेर से रिलेटेड मैंने बताया था ना तो गिर वन्य जीव अभ्यारण निम्न में से किस जीव का संरक्षण है तो शेर का है और ये कहाँ पर है गुजरात में है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात कर रहा है तो उन्नीस में पर्यावरण का संरक्षण अधिनियम अस्सी में मंत्रालय बना उसके दो साल के बाद में उसका अधिनियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना उन्नीस सौ बयासी में चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं कौन है तो वो है सुंदरलाल बहुगढ़ा जी ऐसे याद रख लेना जो सुंदरलाल जी है ना उनकी बहू भी बहुत बहु सुंदर है बहुत गुड़ी है तो वो हमेशा क्या करते हैं अपनी बहू से ही चिपके रहते हैं कहीं नहीं आना जाना कोई पढ़ाई नहीं करनी कोई बी का एग्जाम नहीं देना उनको है ना तो सुंदरलाल बहुगढ़ा चिपको आंदोलन याद हो जाएगा एग्जाम में आया तो पक्का सही हिट करके आओगे आप लोग ओके okay. असोम का प्रसिद्ध एक सिंग वाले गेंडे वाला एक वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है एक सिंग वाले गेंडे की बात कर रहा है तो यह है काना किसली में ठीक है निम्नलिखित में से हाँ ये पूछ रहे अभ्यारण्य कौन सा है तो काना किसली अभ्यारण्य है ठीक है पूछेगा कहाँ पर है हाँ ठीक है काजीरंगा रंगा में ही है निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है तो वो है देखो तमिलनाडु में तो ये गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन ऐसे मान लो दो व्यक्ति है जो मिलते हैं कहाँ मिलते हैं तमिलनाडु में मिलते हैं नेक्स्ट पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है तो वो जुड़ा हुआ आपका उत्तराखंड इसको ऐसे याद कर लेना जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे बच्चे तो बार बार क्या करते अपनी मम्मी से चिपकने के लिए उनकी गोद में चढ़ते रहते हैं छोटे तो छोटे चिपको नहीं उत्रो, 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 ऐसे उत्तराखंड देखो उत्तर प्रदेश से ऊपर है उत्तराखंड तो उत्तराखंड इसका आंसर है उत्तर प्रदेश नहीं निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है तो आई यू सी एन है याद रखना आई यू सी एन डी बायोडीजल तैयार किया जाता है तो देखो इसमें ये जेट्रोफा जो ऑप्शन है ना एक फ्लावर होता है उससे वैसे बायोडीजल आपका गोबर होता है उससे भी बनता है और जो फूड जो बच जाता है स्टेल फूड उससे भी बनता है और जो ऑयल होता है रीयूज ऑयल उससे भी बन जाता है बहुत सारी चीजों से बन जाता है निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है चंद्रप्रभा की बात कर रहा है चंद्रप्रभा चंदौली एक जैसे नाम है वेरी सिमिलर यू कैन लर्न दिस ओके नेक्स्ट वन निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है तो वो करती है आपकी यूएन हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है वन महोत्सव देखो वन में ही आ रहा है वन मतलब एक जुलाई को ठीक है ऐसा मान लो जब हमारे एक जुलाई को स्कूल खुलेंगे तो सबसे पहले हम मनाएंगे वन महोत्सव क्योंकि वन और जंगल हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें मार्क्स कमाए तो क्या फायदा ना

तो वन्य के प्राणियों ने सोचा ये सारी ह्यूमन क्यों मनाए हम भी मनाएंगे ठीक है तो वन्य प्राणियों ने भी क्या डिसाइड किया कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक को मनाएंगे तो अक्टूबर प्रथम सप्ताह में वन्य प्राणी सप्ताह दिवस मनाया जाता है एवरी ईयर नेक्स्ट ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत क्या है अप्रदूषकीय मतलब जो प्रदूषण नहीं फैलाता है तो डेफिनेटली आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा ओके नेक्स्ट फाइव हंड्रेड एंड एटी सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था तो वो हुआ था आपका ब्राजील में रियो डी जेनेरियो ओके नेक्स्ट चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव के प्रारंभ हुआ तो वो हुआ था रेडी गांव में ऐसे याद कर लो जो गौरा देवी थी ना जिन्होंने चिपको आंदोलन गांव में प्रारंभ किया था तो थोड़ी गांव की वैसी राजस्थानी जैसी भाषा बोलती थी दो भाई दो मुझसे चिपको नहीं ठीक है रेडी रेडी ऐसी रेडी रेड दो गौरा देवी ठीक है ऐसे हम्म रैंडी गांव काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है तो वो एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है तो ऑप्शन नंबर स आ जाएगा केदारनाथ उभयारण्य निम्न में से किसके लिए जाना जाता है तो केदारनाथ है ना तो केदारनाथ देखो कितना स्पिरिचुअल कितना अच्छा सा प्लेस है तो ऐसी वैसे जानवर के लिए नहीं जाना जाएगा वो जाना जाएगा कस्तूरी मृग के लिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा कस्तूरी मृग भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है तो हरित क्रांति का जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है तो वो है आपकी देखो चाय रबड़ और शहतूत सभी की ऑप्शन नंबर डी भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है तो वो है आपका अपरंपार अपरम्परार आ पारंपरिक हम नवीन कभी-कभी हिंदी पढ़ने में थोड़ा गड़बड़ कर देती हूँ <laughs> ओके सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है मैं इनको ऐड करना है देखना अभी आपको कितना याद होगा इसमें तो ये देखो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम तो हमने क्या बोला था पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पर्यावरण मंत्रालय भी 1980 में बना और हमने पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम की बात कब कर दी थी तो वो कर दी थी हमने आपकी आ, उसके हाँ छह साल बाद उन्नीस सौ छियासी ये पूछ रहे वन्य सुरक्षा अधिनियम तो वन्य सुरक्षा अधिनियम हमने वन्य जीवों की बेहतर प्रकार के जीव होते हैं ठीक है वन में उनकी सुरक्षा की बात तो उन्नीस कोई एक भी याद होगा तो आप सही हिट मार के आ जाओगे वन संरक्षण अधिनियम वन संरक्षण अधिनियम कब हुआ था तो वो हुआ था आपका 1980 में हाँ देखो तो वन पूछे पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है तो वो आपका उसमें ही आएगा हाँ पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पूछेगा तो वो आपका छियासी में आ जाएगा लेकिन वन संरक्षण पूछेगा वो 1980 में ही बना था मंत्रालय के साथ में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम ये जल की बात कर रहा है ठीक है तो वो 74 दो दो बूंद जमा किया चार बूंद हो गया नाइनटीन सेवनटी में ठीक है ऐसे उन्नीस से पहले जल है ना जल ही जीवन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाँ तो देखो इसका ऑप्शन नंबर डी ही ठीक है तो पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है तो ग्रीन ओलंपियाड का ही किया जाएगा ना ग्रीन ग्रीन चाहिए ना पर्यावरण के लिए कुछ निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है तो वो खनिज तेल नहीं होते देखो पशु का मल जैविक कचरा मानव मल हो जाता है लेकिन खनिज तेल नहीं होते हैं पेट्रोल डीजल नहीं होते हैं राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है तो वो नहीं है आपका प्राकृतिक गैस वहां पर जल विद्युत है पवन ऊर्जा है सौर ऊर्जा है लेकिन प्राकृतिक गैस नहीं डची गम, है डचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है देखो इस डचिगम में गम दिखाई दे रहा है ना आपको गम किसको होगा जम्मू कश्मीर के लोग होगा ना क्योंकि बिल्कुल पड़ा उसमें तो पाकिस्तान है पता नहीं बेचारे लोग कब आके बम फोड़ जाए है ना तो इसीलिए वो गम में रहते हैं डचिगम डचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एंड कश्मीर नेक्स्ट 592 सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए तो वो दिया था 1994 को उन्नीस शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है कहां पर है केरल में है वो शांत घाटी इसे ऐसे याद रख लेना एक बच्चा है रो रहा है तो उसकी मम्मा ने बोला हे शांत हो जाओ केला खाओ शांत होके बैठो तो शांत होके बैठना है केला खाके केला मतलब केरल शांत घाटी ठीक है जिससे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला कहाँ पर है केरल आपको याद करना ना याद कर लो कैसे भी कर लो वन जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ एनजीओ समर्पित है तो वो देखो ये है आपका डब्ल्यू डब्ल्यू एफ फॉर नेचर भारत IA, मतलब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया तो वो किया गया था नाइनटीन सिक्सटी नाइन में जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश होते शिक्षा में प्रशिक्षण में स्वास्थ्य सुविधाओं में उपयुक्त सभी में तो ऑप्शन नंबर डी निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है तो वो है आपका पेट्रोलियम वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य है क्या है तो वो है आपका देखो पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना बिल्कुल सही है ये कब बना अधिनियम 2006 में बना ऐसे भी पूछ लेता है कि पारंपरिक रूप में वनों में रहने वाले समुदायों को अधिकार की मान्यता देना ये अधिनियम कब बनाता तो ये बना था आपका दो में निम्नलिखित में से विषय को चयनित कीजिए तो वो आ जाएगा आपका देखो सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा ज्वार ऊर्जा प्राकृतिक ऊर्जा तो प्राकृतिक ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है वैकल्पिक पूछ रहा है तो वो लिथियम सोडियम जल तो जल ऊर्जा ठीक है लिथियम बैटरिया नहीं होंगी सोडियम लैंप नहीं होंगे जल ऊर्जा है नेक्स्ट वन जीव रक्षा क्षेत्र में उल्लेखीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार है तो देखो जो वन जीवों की सुरक्षा करेगा ना उनको अमृत देंगी कौन देंगी अमृत देवी विष्णु पुरस्कार ठीक है एक देवी आएंगी उनको अमृत देंगे उस पुरस्कार का नाम है अमृत देवी विष्णु पुरस्कार किसको देंगे जो वन जीवों की रक्षा करेगा ऐसे लर्न करना इसको 602, भारत का वैश्विक जो एक से अधिक राज्य में अव्यवस्थित है तो ऑप्शन नंबर बी भारत का माउंटेन रेलवे है वो देखो एक से अधिक जगह पर रेलवे तो होती है यहाँ पे भी है वहां पे भी है तो इधर से उधर आप आ जा सकते हो नेक्स्ट विश्व जल दिवस देखो 22 मार्च को मनाया जाता है दो दो जिंदगी की ओजोन दिवस सोलह सितंबर को मनाया जाता है ठीक है ओके नेक्स्ट पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो, तो पृथ्वी दिवस बाईस अप्रैल को मनाया जाता है ठीक है बाईस अप्रैल को मार्च बाईस हो गया बाईस बाईस देखो कॉमन है ठीक है बाईस मार्च में तो हम जल दिवस मना चुके ना तो अप्रैल में पृथ्वी मना लेंगे गलत युग्म का चयन कीजिए गलत चुनना तो जो गलत है वो नौकरेकोस्फियर रिजर्व है तो जो सही है वो पढ़ लेते हैं नीलगिरी बॉस्फियर रिजर्व कहाँ है तमिलनाडु में है केरल में है कर्नाटका में तमिलनाडु के अगर केले खाओगे तो आप नीले हो जाओगे नीले होके गिर जाओगे नीलगिरी बॉस्फियर तमिलनाडु केरल ये सिमली पाल बॉस्फियर रिजर्व सिमली पाल एक ऐसा पाल है ओढ़ने वाला उसको हमें सिलना है सिमली पाल ओडिशा ओढ़ना है उस पाल को ठीक है ऐसे याद रख लो देहांग देबांग बॉस्फियर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश उड़ने वाला प्रदेश कहाँ उड़ेंगे? अपने देह पे उड़ेंगे देहांग जो व्यक्ति जंगल में कम से कम पच्चीस वर्ष रह रहे और उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था तो वो 2007 में जंगल अधिकार अधिनियम में दिया था okay. ये थी आपकी यूनिट फाइव आई होप आपको समझ में आ गया होगा याद हो गया होगा और आपका एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड वन रिक्वेस्ट फॉर एवरी वन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर वन दैन प्लीज शेयर विद अदर्स बाय बाय टेक केयर एवरी वन